हेलो एवरीवन, मैं अविनाश कुमार, आप सभी को बीएससी परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत हो। चलिए आज हम अगले वाले लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़े थे, आज जो हम लोग को पढ़ना है सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में जो हम लोग साइक्लिक ग्रुप के बारे में जो भी डिफिनेशन और जो भी मेथड बताए हुए थे साइक्लिक ग्रुप में, थोड़ा इससे हट गया। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइक्लिक ग्रुप होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रुप पढ़े, ग्रुप के बाद साइक्लिक ग्रुप पढ़े, और साइक्लिक ग्रुप के बाद हमको पढ़ना है सब ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के मतलब क्या होता है, समूह होता है, और साइक्लिक ग्रुप का मतलब है कि एक सर्कल में जैसे कोई भी टर्म है बार रोटेशन हो रही तो क्या होता है, बस साइक्लिक ग्रुप कहलाती है। ठीक है, और सब ग्रुप क्या होती है, सब ग्रुप मतलब पूरे समूहों का एक ग्रुप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब उप समूह, जिसे उप समूह भी कहते हैं, जिसे हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, उप समूह बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग को देखने वाले हैं सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, इस पर बेस्ट एक थ्योरम पूछते हैं, वो थ्योरम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम एक फर्स्ट नंबर थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, थ्योरम क्या कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप एच, मतलब कहने का मतलब कि सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहले एच होना आवश्यक है। ठीक है, सब ग्रुप हम लोग एच से डिनोटेट करते हैं, ग्रुप को हम लोग जी से डिनोटेट करते हैं, ग्रुप के लिए हम लोग मैक्सिमम जो भी सेट मानते हैं वो भी जी मानते हैं। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप के लिए हम लोग जो भी मानते हैं वो साइक्लिक ग्रुप के लिए भी हम लोग जी मानते हैं, बट सब ग्रुप के लिए हम लोग एच लेंगे। कहने का मतलब कि एच और ग्रुप, ग्रुप का एलिमेंट सब ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, बाकी एच का एलिमेंट कुछ ग्रुप में नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एवरी सब ग्रुप एच ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब हमको यही प्रूफ करना है कि ये जो टर्म दिया हुआ है कि एवरी सब ग्रुप, कहने का मतलब जो साइक्लिक ग्रुप है उसका प्रत्येक टर्म क्या हो रहा है, सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और आगे देखते हैं क्या हो पाता है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ में क्या दिया हुआ है कि सपोज रेट द साइक्लिक ग्रुप जी, कहने का मतलब हमको सपोज करना है कि साइक्लिक ग्रुप इनटू जी एक सेट लिए, क्या लिए, उसका नाम है जी है। ठीक है, इज जनरेटेड बाय एंड लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ द जी, मतलब जो हम पहले ही बता चुके हैं कि सपोज रेट द साइक्लिक ग्रुप, जब भी साइक्लिक ग्रुप होगा तो जनरेटेड आवश्यक रूप से होगी। ठीक है, बाय एंड लेट हम क्या मान रहे हैं, हमको निकालना है सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप के लिए हम लोग लेट एक एच सेट मानते हैं। ठीक है, एच तो एच बी ए सब ग्रुप ऑफ द जी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे में हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग आगे लिखेंगे, फिर एक स्टेज और आगे चलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। ठीक, देन एवरी मेंबर। ठीक है, देन एवरी मेंबर ऑफ एच, देन एवरी मेंबर ऑफ एच, मतलब एच जो है मेरा सब ग्रुप है। ठीक है, विल बी इवोडेंटली कहलाते। ठीक है, इवोडेंटली कहलाते। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, फिर आगे लिखेंगे सम, फिर मेरा क्या हो जाएगा सम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना, सबसे पहले हमको यहाँ डिफाइन करना है कि सब ग्रुप ऑफ द जी, देन एवरी मेंबर ऑफ द एच विल बी द इवोडेंटली कहलाते। ठीक है, इवोडेंटली। ठीक, अब हम लोग को क्या लिखना है कि सम इंटीग्रल पावर ऑफ द ए, मेरा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा सम इंटीग्रल पावर ऑफ द एच। ठीक, अब यहाँ पे एक स्टेंज और लिखिएगा, सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है, सम इंटीग्रल पावर ऑफ द ए क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव नंबर, ए हो जाएगा मेरा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये जो हम दिए हैं, जो भी टर्म दिए हैं, ये वो क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए, देन एवरी मेंबर ऑफ द एच विल बी द इक्विवेलेंट सम इंटीग्रल पावर ऑफ द एच, कहने का मतलब जो भी टर्म बार बार जनरेट होगी और वो अनंत टर्म तक जाएगी तो उसको सबसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, हम लोग जनरेट लिखते हैं, सम इंटीग्रल पावर ऑफ द ए पॉजिटिव नंबर। अब आगे क्या कर रहा है मेरा, लेट आगे हो जाएगा, फिर लिखेंगे एक स्टेंज और बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, लेट। अब लेट क्या करना है, कोई भी सेट मान लेते, लेट एम बी द स्मॉलेस्ट टर्म मानना है, कोई भी टर्म मानेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट टर्म। ठीक है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, सच डैट, अब हमको दिखाना है। ठीक है, सच डैट ए के पावर एम बिलोंग्स टू एच, कहने का मतलब जो भी टर्म बार बार जनरेट हो, जैसे ए के पावर एम हो गया, हम क्या माने यहाँ पे, लेट एम माने, यहाँ पे सेट के जहाँ पे आप लेट एम भी मान सकते हैं या लेट कोई भी टर्म आप यहाँ पे मान सकते हैं, हम यहाँ पे माने लेट एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म, मतलब कोई एक छोटा सा टर्म मानना है और उसको दिखाना है कि हाँ ए के पावर एम, मतलब जो टर्म हम जो ए माने हैं जनरेट करके, जो ए माने पॉजिटिव, ए क्या है मेरा, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और उसके पावर क्या है, एम है, एम हम क्या माने, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, मतलब बिलोंग्स टू क्या करना है, एच, मतलब दिखाना है बिलोंग्स टू एच, मतलब सब ग्रुप के बराबर करना है। ठीक है, सब ग्रुप के क्या करना है, बराबर करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सेल एक स्टेज और, वी सेल सो डैट, फिर हमको दिखाना है, वी सेल सो डैट एच इज साइक्लिक सब ग्रुप। अब आ गया फिर से भाई, हमको क्या निकालना था, साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे आ गया, एच इज द साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, एच इज द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाई क्या हो जाएगा मेरा, ए के पावर एम, क्योंकि ए के पावर अगर डॉट डॉट तो कोई टर्म जा रही तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एम। ठीक है, अब हमको एक स्टेज और मानेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लेट मानना है, अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब लेट करते हैं, लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट, अब हमको एक टर्म और मानना है तो लेट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगी, ए के पावर के बी एनी टर्म्स, ए के पावर के बी एनी एलिमेंट ऑफ एज। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि बाय द डिवीजन एल्गोरिदम में थी, अब हमको क्या इस मेथड में एल्गोरिदम विधि लगा के और इस टर्म को जांचना है कि हाँ साइक्लिक ग्रुप मेरा सब ग्रुप हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक, अब यहाँ पे एक स्टेंज और लिखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, बाय द
बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम वी वी में राइट, ठीक है, वी में राइट हो जाएगा। तो हमको क्या मानना है, के इक्वल टू मान लेते हैं क्यू एम और प्लस क्या हो जाएगा आर। हम लोग एल्गोरिदम विधि पढ़े हुए हैं पिछले वाले क्लास में, एल्गोरिदम विधि उसी टर्म पे इस क्वेश्चन को हमको निकालना है, एल्गोरिदम मेथड पे ही हमको क्या करना है इस क्वेश्चन को, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एल्गोरिदम विधि पर ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या होगा, के इक्वल टू हम क्या लिए, के इक्वल टू क्यू एम प्लस क्या हो गया मेरा आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर, अब हमको दिखाना है, ठीक है, कि जीरो लेस देन आर लेस देन क्या हो जाएगा एम। कहने का मतलब कि जीरो से, जीरो छोटा है आर से और आर छोटा है एम से, कहने का मतलब कि तीनों टर्म में एम क्या है मेरा सबसे बड़ा नंबर लिया गया, तो हेंस में क्या हो जाएगा मेरा, हेंस हो जाएगा, हेंस ए के पावर के इक्वल टू ए के पावर क्यू एम प्लस क्या हो जाएगा आर। इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एम के पावर क्यू लिख सकते हैं और डॉट क्या हो जाएगा ए के पावर, आप लोग पढ़े हुए ए के पावर क्यू के पावर एम, तो हम लोग पढ़े हुए ए के पावर एम इंटू एन, तो जब तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा ए के पावर एम इंटू ए के पावर क्यू हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर एम सबके पावर क्यू इंटू ए के पावर आर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या आ गया, ए के पावर आर इक्वल टू ए के पावर क्यू डॉट ए के पावर एम माइनस क्यू, ठीक है। अब हो गया, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस, सिंस ए के पावर एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा मेरा एच, एंड एंड ए के पावर के बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा एच। अब कहने का मतलब है कि ये जो मेरा पॉजिटिव नंबर था और पावर में जो था एम, एम क्या लेते एक स्मॉलेस्ट टर्म मानते, ठीक है, तो ए के पावर एम बिलोंग्स टू एच, मतलब ए के पावर एम को एक बार सब ग्रुप के बराबर करना है, फिर इसके बाद ए के पावर के को भी हम लोग को एच के सापेक्ष दिखाना है, ठीक है, बिलोंग्स करना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया दो टर्म लिख दिया, अब यहाँ पे क्या हो गया दिस, ठीक है, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज डेट क्या था, ए के पावर आर बिलोंग्स टू मेरा एच था, देखिए यहाँ पे मेरा क्या था, ए के पावर आर इक्वल टू हम लोग कितना लिए हुए थे, ए के पावर आर इक्वल टू हम लोग लिखे हुए थे ए के पावर के डॉट ए के पावर एम के पावर माइनस क्यू था, ठीक है, माइनस क्यू था। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना, सिंस ए के पावर एम बिलोंग्स टू एच एंड ए के पावर के बिलोंग्स टू एच, दिस द इक्वेशन इम्प्लाइज डेट ए के पावर आर बिलोंग्स टू एच, इसको बराबर हमको करना था, ठीक है। तो हो गया ए के पावर आर बिलोंग्स टू एच हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना, स्मॉलेस्ट टर्म को देखना, ठीक है, स्मॉलेस्ट टर्म क्या था मेरा, अब मेरा यहाँ पे था कि सिंस, सॉरी सिंस नहीं, यहाँ पे मेरा था स्मॉलेस्ट टर्म बट m इज द स्मॉलेस्ट टर्म, हम लोग माने हुए थे m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या था, पॉजिटिव नंबर या मेरा पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव क्या था मेरा इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर। अब हमको क्या करना, सच डेट फिर यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है, सच डेट क्या हो गया मेरा a के पावर m बिलोंग्स टू h, कहने का मतलब जो हम सेट माने थे वो मेरा क्या है सब ग्रुप हो गया, जो भी हम सेट माने थे वो a के पावर m बिलोंग्स टू h क्या हो रहा है h के बराबर है, मतलब कहने का मतलब ये क्या है मेरा, कहने का मतलब है कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, मतलब जो सब ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा प्रूफ करना था, ठीक है। अब आगे आप लोग एक स्टेज इसमें और लिख सकते हैं दिखाने के लिए, देयर फोर, देयर फोर के इक्वल टू हम क्या, के इक्वल टू क्यू एम एंड हैंस, हैंस क्या हो जाएगा, हैंस एवरी एलिमेंट, हैंस एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट क्या था मेरा ए के पावर के ऑफ एच, एच इज नॉट द फॉर्म ए के पावर एम के पावर क्यू फॉर सब ग्रुप, क्या था सब ग्रुप। अब देखिए सबसे पहले ऊपर से क्या था मेरा, कोई टर्म माने हैं लेट ए के पावर के था मेरा बी द एनी एलिमेंट्स ऑफ द एच द बाय डिविजन ऑफ द एल्गोरिदम यू मेनी विद राइट, तो के इक्वल टू क्यू एम प्लस आर हो गया, वेयर आप लोग जानते हैं कि जीरो लेस देन आर लेस देन एम, कहने का मतलब एम से छोटा आर है और आर से छोटा क्या है मेरा जीरो है, जीरो तो ऐसे भी कोई छोटा अंक है, ठीक है, हैंस ए के पावर के इक्वल टू ए के पावर क्यू एम प्लस आर, इसको तोड़ेंगे तो इक्वल में ए के पावर एम के पावर क्यू इंटू डॉट ए के पावर आर, ठीक है, इक्वल में ए के पावर आर इक्वल टू क्या जाएगा ए के पावर के इंटू ए के पावर एम के पावर माइनस क्यू, ठीक है। सिंस अब हमको इसमें दिखाना, ठीक है, सिंस ए के पावर एम बिलोंग्स टू एच एंड ए के पावर के बिलोंग्स टू एच, दिस इक्वेशन इंप्लाइज डर ए के पावर आर बिलोंग्स टू एच। अब हमको क्या था, यही दिखाना था कि ए के पावर आर बिलोंग्स टू एच पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, बट एम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इंटीजर सच दैट द ए के पावर एम बिलोंग्स टू एम, ठीक है, देयरफॉर के इक्वल टू क्यू एम एंड हैंस एवरी एलिमेंट्स ए के पावर के ऑफ द एच इज द नॉट फ्रॉम द ए के पावर एम पी के पावर पी एम के ए के पावर एम के पावर क्यू फॉर द सब ग्रुप, ठीक है, यही मेरा प्रूफ करना था कि सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप है या ऊपर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को जो प्रूफ करना था वो क्या था, सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, थ्योरम नंबर वन था फर्स्ट था, तो मेरा यही प्रूफ करना था, ठीक है। और अगले वाले थ्योरम में हम लोग मिलेंगे, तो अगले वाले थ्योरम में हमको पढ़ना है सब ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप का थ्योरम टू पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए।